जी स्टूडेंट, आज अपने बीएससी क्लास से फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी क्लास फर्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर और टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। और बीटा गामा फलन, इंटीग्रेशन में बीटा गामा फलन। बीएससी फर्स्ट ईयर में बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आता है बीटा फलन। बीटा फलन यानी बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, बीटा फंक्शन को आयलर का प्रथम समाकलन भी कहते हैं, बीटा फलन, या आयलर का प्रथम समाकलन। ये क्लास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि मैं इंग्लिश के अंदर भी वर्ड बोलता रहूंगा, बीटा फलन या आयलर का फर्स्ट इंटीग्रेशन। इसकी क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन यानी परिभाषा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा गया, बीटा एम कोमा एन, एम कोमा एन जीरो से लेकर वन तक, जीरो से वन तक एक्स की पावर। तो पहले m लिखा है, तो यहाँ m माइनस वन आएगी और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन और dx, जहाँ m की वैल्यू 0 से बड़ी है, n की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इसको कहा गया है बीटा फलन। ये बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन का ये फॉर्मेट है, ये रूप है, ठीक है, मानक रूप है। इस रूप में कोई भी फलन होगा, कोई भी इंटीग्रेशन में फॉर्म होगा, 0 से लेकर 1 तक लिमिट के अंदर, इस प्रकार के फॉर्मेट में उसे बीटा फलन कहा गया है। अब सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ठीक है, वो ये है कि बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एन। ये आपको प्रूफ करना है। समझने वाली बात कौन सी है? यहां एम है तो एक्स की पावर में एम माइनस वन होगा, और बाद में एन है तो वन माइनस एक्स, तो फैक्टर उसकी पावर माइनस वन है। तो अगर मैं यहाँ n कर दूं और यहाँ m कर दूं, तो यहाँ n माइनस वन या m माइनस वन, ठीक है। पहले ऑर्डर मैटर करेगा इसमें, पहले जो होगा वो x की पावर में m माइनस वन होगा, और n है वो दूसरे फैक्टर की होगी। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में, ठीक है, अपने पास लेते हैं बीटा एम एन, बीटा एम एन लेता हूँ मैं, 0 से 1 तक x की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन और dx, ठीक है। इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 1 माइनस वाई, x इक्वल टू 1 माइनस वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx 0, इसका हो गया dy, ठीक है। तो विच इंप्लाई dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस dy, ठीक है, यहाँ कर दीजिए। तो ये आपका बीटा एम एन, बीटा एम एन। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ये लिमिट किसकी है? एक्स की है, क्या डी एक्स लिखा है, एक्स की लिमिट, अब डी वाई में बदल जाएगा ये, तो वाई की लिमिट आएगी। वाई की लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स की लिमिट यहाँ रखो, लोअर लिमिट, एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो रखेंगे और वाई इधर ले आएंगे, ठीक है, और जीरो इधर लेके जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वन आएगी। एक्स जब जीरो करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 1। और x की जगह अगर 1 डाल देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट पुट करने से लोअर लिमिट आएगी, अपर लिमिट पुट करने से अपर लिमिट आएगी। अब x की जगह क्या पुट करना है? 1 माइनस y की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x। तो इसको ऐसे बना लो, इस x को यहाँ ले जाओ और इस y को यहाँ ले आओ, तो ये वाला y इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस x। 1 माइनस एक्स की जगह वाई डाल देंगे, और डी एक्स की जगह क्या डाल देंगे? डी एक्स की जगह डाल देंगे माइनस का डी वाई, ठीक है। तो ये आपका है बीटा एम एन,
ठीक है। अब देखिए ये माइनस है, तो 12वीं क्लास में एक प्रॉपर्टी है आप लोगों को पता होगी कि a से b एफ एक्स डी एक्स होता है। तो अगर मैं b यहां ले लूं और a यहां ले लूं, b a लिमिट इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी है ये, a नीचे है इसको ऊपर कर दिया, ऊपर और नीचे कर दिया, तो एक माइनस एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा अगर चेंज करूंगा तो एक माइनस और आ जाएगा, माइनस तो है एक और आ जाएगा, वापिस प्लस भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ माइनस पहले से है, इस माइनस को मैं, इस लिमिट को मैं चेंज करूंगा तो एक माइनस और आएगा, वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जीरो से एक। अब यहाँ कितना है वाई, इसकी पावर कितनी थी एन माइनस वन, ठीक है। इसको आगे लिख लो, वाई की पावर कितनी, वाई की पावर कितनी आ जाएगी एन माइनस वन, और वन माइनस वाई की पावर कितनी आ जाएगी एन माइनस वन। अब एक प्रॉपर्टी और थी 12वीं क्लास में कि a से b एफ एक्स डी एक्स, और a से b x की जगह मैं अगर t कर दूं, इसको बोलते हैं वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। वेरिएबल चेंज करने से मतलब x की जगह अगर t डाल दें, इसका इंटीग्रेशन करें एफ टी डी टी का, एफ एक्स डी एक्स का, दोनों बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। और तो यहाँ मैं वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो ये जीरो से वन, इसको मैं y की जगह x डाल देता हूँ n माइनस वन, और ये आ जाएगा वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। कहने का मतलब मैंने y को x किया, ये आप समझ लो ये हुआ कैसे, आप है ना y की जगह x पुट कर लो, ये लो इसको dy किया, डेरिवेटिव इसका dx। तो यहाँ देखिए यहाँ पर dy था तो ये कितना हो गया dx, और लिमिट इंटरचेंजिंग की तो ये माइनस है, एक माइनस हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये dy की जगह क्या डाल देंगे, यहाँ पर dy था ये माइनस को हट गया, ये dy जो है यहाँ पर था इसकी जगह dx आ जाएगा, और y की जगह डाल दिया x डाल देंगे, यहाँ x डाल देंगे, ठीक है। अब लिमिट चेंज करने की बात करें, अगर y की जगह देखो ये y की लिमिट है, y की जगह जीरो डालोगे तो x भी जीरो आ जाएगा, y की जगह वन डालो x भी वन आ जाएगा। अब आप देखिए इसकी कंपेरिजन इससे कीजिए, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ n माइनस वन है, यहाँ m माइनस वन है। जब m माइनस वन था तो पहले m आया, n माइनस वन है तो पहले क्या आएगा बीटा, पहले एन आएगा। वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, या एन देखो एन बाद में है, एन माइनस वन किसकी पावर है, वन माइनस एक्स की, वन माइनस एक्स की पावर एम माइनस वन है, या एन माइनस वन, एन माइनस वन था तो बाद में एन आया, यहाँ एम माइनस वन है तो यहाँ बाद में एम आएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा बीटा एम। तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम समीकरण एक के रूप से, समीकरण एक का जो रूप था उस रूप के अकॉर्डिंग बीटा एम एन बराबर हो गया बीटा एम एन। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये दो प्रॉपर्टी अपने 12th क्लास की है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। कितना क्लियर, तो स्टूडेंट आगे चले से उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको, ये थोड़ा सा डायरेक्शन भी लिखा गया होगा, ये कहीं की मार्कर में, ये लो ये जो प्रॉपर्टियां हैं ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब इसमें मैं सेकंड पर चलता हूँ, देखो पहले तो आपको आयलर का जो फर्स्ट समाकलन है, फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें अपने दूसरे करते हैं, अपना दूसरा करते हैं, दूसरी जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि बीटा एम एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन, और वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन। ये बीटा एम एन ये भी होता है, एक बीटा एम एन बताया था मैंने जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन, और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, वो आयलर का प्रथम समाकलन था। और बीटा एम एन को ऐसे भी, बीटा एम एन इसके बराबर भी होता है, तो बीटा एम एन कई चीज़ों, कई इंटीग्रेशन के बराबर होगा, ये भी बीटा एम एन है। अब इसका प्रूफ समझो ये कैसे आया, तो अपने ये जानते हैं कि वी नो दैट आयलर का फर्स्ट समाकलन, फर्स्ट समाकलन क्या बताया था, बीटा एम एन
जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एफ, ये बताया था। इसमें हम पुटिंग करेंगे एक्स की जगह ये पुट वाई अपॉन वन प्लस वन। अब आप ये आपके दिमाग में ये सब आते हैं कैसे, ये पुट करने वाले याद रखना या पता कैसे। देखो एक्स जहाँ पर लिखा है ना उसकी जगह वाई डाल के देख लो तो वाई अपॉन वन प्लस वन, ये सब बन गया। यहाँ से थोड़ी सी हिंट मिल जाती है, ये पुट करना पड़ेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव होगा डी एक्स, यहाँ लगा दो यू अपॉन वी रूल, तो नीचे वाले का स्क्वायर यू अपॉन वी रूल जानते हो डेरिवेटिव का, नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाला सेम, वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई माइनस, फिर ऊपर वाला वाई सेम, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन का जीरो, और इसका हो जाएगा डी वाई। तो ये सब कितना यहाँ से डी वाई कॉमन आ जाएगा, तो वन प्लस वाई माइनस वाई माइनस वाई, डी वाई से डी वाई कॉमन आ गया, नीचे बच गया आपका वन प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये डी वाई, ठीक है। यहाँ एक्स आ गया, अब देखिए यहाँ से एक्स इक्वल टू वाई से वाई कट जाएगा, ये बन गया वन अपॉन वन प्लस वाई का होल स्क्वायर और डी वाई। ये तो शायद आपका डी एक्स था, ये डी एक्स था, ठीक है। अब देखिए dx की वैल्यू अपने पास ये आ गई, dx है ना ये dx, इसकी जगह ये डाल देंगे और जहां जहां x था वहां ये डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए बीटा mn क्या बन जाएगा, बीटा mn इक्वल टू, अब लिमिट चेंज करो एक बार, x की जगह जीरो डाल दो, x की जगह जीरो डालोगे तो इसका ही सेंटर होगा, तो y कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो चाहिए। अब x की जगह डालोगे आप वन, x की जगह क्या डालोगे यहाँ पर वन डालोगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फैक्टर, ये था क्या x की जगह आप इसमें क्या डालोगे वन डालोगे, तो इसकी लिमिट कितनी चेंज होगी, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अपने को लिमिट देखो आपको कंफ्यूज कर रही है। x की जगह जीरो डालोगे ना, पहले एक काम करो आप, ये x की वैल्यू y की टर्म में, तो आप x की वैल्यू डालोगे तो यहाँ y देखो दो दो जगह, दो जगह, आप ऐसा करो y को x की टर्म में ले आओ तो लिमिट निकालना आसान रहेगी। तो मैं इसका इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स वाई, इधर आ जाएगा y, ये आ जाएगा y माइनस एक्स वाई, एक्स इधर इधर x आ जाएगा, यहाँ से y कॉमन लिया तो x अपॉन वन माइनस एक्स, ये आ जाएगा y, ठीक है बच्चों। तो ये आपका वाई आ गया, अब देखिए इसमें x की जगह 1 डालिए, x की जगह 0 डालो, x की जगह 0 डालोगे ऊपर 0 डालोगे ये 0 ये भी 0 ये 1 बन 0 by 1 y 0 आ जाएगा। अब x की जगह 1 डालोगे यहां 1 तो ये बन गया 1 ये बन गया 0 1 by 0 कितना आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब y x की टर्म x को डाल रहे हैं तो पूरी तरीके से x डलेगा यहां पर, यहां देखो y कैलकुलेट करना मुश्किल था क्योंकि x की वैल्यू डाल दी, अब इसमें y दो जगह इसको इससे भेज दिया, ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो x y के टर्म में था, अब मैंने y को x के टर्म में, अब देखिए x की जगह क्या पुट करोगे, ये पुट करोगे x की जगह, जब ये पुट की पावर लगा रहे हैं यहाँ कितना y की पावर m माइनस वन और नीचे कितना वन प्लस y की पावर m माइनस वन, ठीक है। वन माइनस x, तो वन माइनस x, वन माइनस x, x की वैल्यू कितनी है y अपॉन वन प्लस y और पावर कितनी है n माइनस वन, और dx, dx की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और डी वाई, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आगे चलिए इसमें 0 से इन्फिनिटी, अब 1 प्लस वाई का इंटू 1 प्लस वाई माइनस वाई, ये वाई बन जाएगा तो ये वाई की पावर कितनी आ जाएगी एम माइनस वन, नीचे 1 प्लस वाई की पावर आ जाएगी एम माइनस वन, और यहाँ ये सिर्फ कितना बचेगा ओनली 1 बचेगा, 1 प्लस वाई है ना वाई कट जाएगा तो ओनली 1 बचेगा, और नीचे बचेगा 1 प्लस वाई, इसकी पावर कितनी आएगी एन माइनस वन, ऊपर भी आएगी 1 की पावर लगाने से फायदा नहीं है, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और डी वाई। अब देखिए बच्चों इसमें 0 से इन्फिनिटी एक बार चेक कर लूँ कैमरे में आया कि नहीं आ रहा, अब देखिए ऊपर कितना है y की पावर m माइनस वन, नीचे देखिए 1 प्लस y, 1 प्लस y, 1 प्लस y, सबका फैक्टर 1 प्लस y है, तो ये पावर सारी ऐड हो जाएगी, तो ये माइनस वन माइनस वन तो कट जाएगी प्लस 2 से, ये नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस y की पावर कितनी आ जाएगी
यह आ जाएगी एम प्लस एन और यह आ जाएगी डी वाई। ठीक है, अब देखिए इसका ये फॉर्मेट आपको दिखाई देने लगे, आप वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लेके आते हो जो भी बताइए थोड़ी देर पहले, तो ये बन जाएगा जीरो से इन्फिनिटी और वाई की जगह एक्स डाल दो, एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, तो यह आ जाएगा डी एक्स। तो आप देख सकते हो कि बीटा एम एन जो है, बीटा एम एन जो है वो इसके बराबर ये रूप हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने इतना देखा, अच्छे से आप देख लें इसको, तो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, तो देखिए यह आपका बीटा एम एन था, बीटा एम एन, तो बीटा एम एन देखो ये वाला आ गया, तो हमें ये लेके आना है। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या पढ़ाया वो देख लो, एक चीज याद रखना, लिमिट निकालते समय जब आपको लिमिट पुट करनी हो, जैसे ये x है वो y के टर्म में है, तो अगर y दो जगह है अगर इसको जीरो डाल देंगे, इसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नहीं कि y जीरो आ जाए, इसको मान ली पर y जीरो आ गया, फिर x की जब वन डालोगे तो इसका वन प्लस वाई से किया, यहाँ पर वन डालोगे तो वन प्लस वाई, इधर भी वाई, ये तो वाई से वाई करके वन बच गया, वन बराबर जीरो पॉसिबल नहीं है, मीनिंगलेस आ गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो गड़बड़ इसमें लिमिट नहीं डालनी, इसमें डालनी है। ठीक है, अब तक जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। अभी आज अपना फर्स्ट लेक्चर था, तो हमने नंबर एक तो क्या पढ़ा, आइलर का फर्स्ट समाकलन ये था जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। दूसरा हमने ये पढ़ा कि बीटा एम एन था वो किसके बराबर है, बीटा एम एन के। और तीसरा हमने ये पढ़ा कि बीटा जो एम एन है उसको ये जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन और डी एक्स। अब तक हमने ये तीन पढ़े, ये तो आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये आपकी प्रॉपर्टी है कि बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम, और तीसरी बात बीटा एम एन का ये इंटीग्रेशन भी बराबर होता है, इस आपने इसी से ये प्रूफ किया था। ठीक है, और इसी से ये प्रूफ किया था, अब वो बताइए। और इसमें खास बात है, यहाँ एम होगा तो यहाँ एक्स की पावर एम माइनस वन आएगा, और यहाँ एन होगा तो वन माइनस एक्स की पावर आएगा। ठीक है, और दो बातें और बताई थी मैंने इंटीग्रेशन की, कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो तो इसको अपने ए से बी एफ टी और डी टी कर सकते हैं। दूसरी बात, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो तो ए से बी अपने सॉरी बी से ए करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स, इसके आगे माइनस लग जाएगा। दोनों को जनरल एग्जांपल से समझ सकते हो, अगर आप एक सवाल करना चाहें यहाँ पर तो ये भी देख सकते हो, जैसे मैंने ये एक्स की पावर दो इंटीग्रेशन किया जीरो से पाँच तक, एक जीरो से पाँच या एक्स में है, एक्स में टी में करना चाहें तो यहाँ पर अगर टी स्क्वायर कर दूँ डी टी क्या फर्क पड़ेगा, इसका कितना हो गया एक्स क्यूब बाई तीन और जीरो से पाँच, ये बन गया एक्स पच्चीस बाई तीन माइनस जीरो का तीन बाई तीन एक सौ पच्चीस आ जाएगा, ये कितना बन गया टी क्यूब बाई तीन जीरो से पाँच, या आ जाएगा पाँच की क्यूब बाई तीन माइनस जीरो का क्यूब बाई तीन एक सौ पच्चीस बाई तीन। तो देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम होता अभी तो मैंने क्या देखो वेरिएबल चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आना है। और ठीक है, ऐसे अगर इसका आंसर मान लो पचास है, जिसका आंसर माइनस पचास होगा क्योंकि माइनस एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि लिमिट जो बी पहले डलनी थी वो बाद में डलेगी, जो बाद में यहाँ पर डल रही है वो पहले डलेगी, इसलिए जैसे मान लो पाँच माइनस दो है तो ये तीन आता है, दो माइनस पाँच कितना आएगा माइनस थ्री, तो लिमिट की पुटिंग के जो ऑर्डर बदला है उसकी वजह से माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज अपना फर्स्ट लेक्चर था बीएससी फर्स्ट ईयर का, कोशिश तो ये रहेगी कि आपको हर एक सवाल हर एक इंटीग्रेशन करवाया जाए ढंग से, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये शेयर करना, आज स्टार्ट किए मैंने। ठीक है, और अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करो, छोड़ो कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, किसी लोग का देख लेना, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको हौसला बढ़ाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको जितना बताया मैंने एक बार रिवाइज भी किया, तो ठीक है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा हौसला बनाना। ठीक है, हाँ जी बच्चों, बीटा एम एन की नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं, अभी तक हमने दो तीन चीज़ें पढ़ ली, अब पढ़ेंगे बीटा एम एन बराबर ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर टू एम माइनस वन थीटा
और cos की पावर 2n माइनस 1 थीटा और d थीटा। बीटा एम एन का मैंने फर्स्ट माध्यम बताया आपको, फिर बीटा एम एन बराबर बीटा एम एन एन एम प्रूफ करवाया मैंने, फिर बीटा एम एन की एक इन्फिनिट जीरो से इन्फिनिट का इंटीग्रेशन बताया मैंने, अब जीरो से लेकर पाई बाई टू यहाँ पर ट्वाइस ये एक इंटीग्रेशन करना है। तो सारे के सारे जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बीटा एम एन बराबर जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एक्स। अब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें क्या पुट करेंगे, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका अगर डेरिवेटिव करें तो टू साइन थीटा, पहले पावर का होता है साइन का हो गया cos थीटा, और थीटा का कितना हो गया d थीटा। ठीक है, अब अपन लिमिट चेंज करो, x की जगह अगर जीरो डाल दें, यहाँ x की जगह जीरो डाल दें तो जीरो बराबर साइन स्क्वायर, बोथ साइड रूट लेंगे साइन थीटा इक्वल टू जीरो, और फिर इधर वाले जीरो लिख देंगे साइन जीरो, साइन साइन छोड़ देंगे, थीटा कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो जब एक्स जीरो होगा तो थीटा भी कितना होगा जीरो। दोबारा सुन लीजिए, एक्स की जगह ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये डी एक्स लिखा है ये एक्स की लिमिट है, थीटा में आएगी डी थीटा के लिए थीटा की लिमिट आएगी। एक्स अगर जीरो करेंगे तो बोथ साइड रूट लेंगे, ठीक है, साइन के इधर जीरो साइन थीटा बराबर जीरो, किसकी वजह थीटा इक्वल टू जीरो, और एक्स इक्वल टू अगर वन कर दें या वन करेंगे साइन के थीटा बराबर वन, तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस वन लेंगे अपने, और वो किसकी वैल्यू होती है, वो होती है थीटा इक्वल टू फाइव बाई टू। ठीक है, अब देखिए चेंज करते हैं, बीटा एम एन, बीटा एम एन बराबर एक्स की जीरो थी तो थीटा कितना हो गया जीरो, एक्स अगर वन था तो थीटा कितना है फाइव बाई टू, और एक्स की जगह क्या पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर एम माइनस वन, और वन माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर एन माइनस वन, और डी एक्स की जगह क्या पुट करना है टू साइन थीटा और कोस थीटा और डी थीटा। सबसे पहले इस टू को अपने बाहर निकाल देंगे, यहाँ ले आएंगे, तो ये टू जीरो से पाई बाई टू, ये देखो एक रूल पढ़ा हो आप लोगों ने, ए की पावर एम इसकी पावर एन, तो पावर का पावर से इंटू होता है, तो पावर दो का ही से इंटू कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन टू एम माइनस टू थीटा। ठीक है, साइन की पावर ये थीटा अलग से, थीटा की पावर नहीं है ये, वन माइनस साइन स्क्वायर के कोस के, कोस के इस दो का भी सेम टू कर दो तो कितना बन जाएगा टू वन माइनस टू थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ भी पावर एक यहाँ भी पावर एक, और ये कितना आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत। अब देखिए दो जीरो से पाई बाई टू, अब देखो ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो एक पावर में ये दो पावर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन टू एम माइनस वन थीटा, और ऐसे ही ये पावर कोस की है, ये भी कोस की है, ये कितना बन जाएगा टू एम माइनस वन थीटा और डी थीटा, और इधर आपका कितना आ रहा है बीटा। ठीक है, तो देखिए ये आपका बीटा एम एन की एक प्रॉपर्टी और आ गई, अब तक हमने बीटा एम एन की कितनी प्रॉपर्टियाँ पढ़ ली वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो फिर दो इसको अच्छे से देख लेना, तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से इतना रिवाइज करवा देता हूँ। ये नंबर एक पे ये पढ़ा था हमने कि बीटा एम एन बराबर था जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन, एक्स की पावर वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एक्स, ये आइडियल का फर्स्ट इंटीग्रेशन था। दूसरा हमने ये पढ़ा कि बीटा एम एन बराबर होता है बीटा एन एन, आज ये पढ़ा ही। तीसरा ये पढ़ा हमने कि बीटा एम एन जो होता है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन, एम माइनस वन और वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन और डी एक्स। चौथा हमने ये पढ़ा कि बीटा एम एन जो है वो होता है दो जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन की पावर टू एम माइनस वन थीटा और कोस टू एम माइनस वन थीटा और डी थीटा। आज तक ये चारों पढ़ ली, और इसका यूज इसमें है और इसमें है, अब बाकी आपका जो बारहवीं क्लास का इंटीग्रेशन का नॉलेज है, डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव लिमिट चेंज करना, वो सब बताया मैंने। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, धन्यवाद।